और एक अच्छी खबर भारतीय सेना के लिए, सेना को इस साल दिसंबर में AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप मिल सकती है। पहले बैच में भारतीय सेना को 3 AH-64E अपाचे मिलने वाले हैं और सूत्रों के मुताबिक खबर तो यही है कि ये 3 अपाचे हेलीकॉप्टर दिसंबर में सेना को मिल सकते हैं। फरवरी 2020 में भारत ने अपाचे बनाने वाली कंपनी बोइंग से 6 हेलीकॉप्टर की डील की थी। ये डील $800 मिलियन की थी और डील में बोइंग की तरफ से भारत के 6 पायलट और 24 टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग भी शामिल रही। शेड्यूल के मुताबिक मई और जुलाई में भारत को 3-3 अपाचे मिलने थे, लेकिन इसमें देरी हुई। बोइंग की तरफ से कहा गया कि सप्लाई चेन में रुकावट की वजह से ये देरी हुई है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के सामने भारत की तरफ से मुद्दा उठाया गया, जिसके बाद इसमें तेजी आई और दिसंबर में ये हेलीकॉप्टर मिलने जा रहे हैं। इसके कुछ ही महीनों बाद अन्य 3 हेलीकॉप्टर भी सेना को मिल सकते हैं। इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स की तैनाती रेगिस्तानी इलाकों में की जा सकती है। हालांकि जोधपुर में मौजूद सेना की 451 एविएशन स्क्वाड्रन अपाचे हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करेगी। कितने घातक हैं अपाचे हेलीकॉप्टर जान लीजिए, क्योंकि AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर जो खबर है, जिसे अपाचे गार्जियन भी कहा जाता है, दुनिया भर में इनका डंका बजता है। खूबियां जान लीजिए, हेलीकॉप्टर की खूबियां क्या है और किस तरीके से ये घातक अब भारतीय सेना को मिलने वाले हैं। इनकी ऑपरेशनल रेंज है 476 किलोमीटर, जहां स्पीड है 284 किलोमीटर प्रति घंटा, और लॉन्ग बो रडार 256 लक्ष्यों को एक साथ ये ट्रैक कर सकती है। 16 लक्ष्यों को एक साथ ये नष्ट करने की भी क्षमता रखता है। 30 एमएम की M230 चेन गन हर मिनट सैकड़ों गोलियां भी दाग सकती हैं। हालांकि मिसाइल AGM-114 हेलफायर और रॉकेट 70 एमएम हाइड्रा एंटी टैंक मिसाइलों से ये लेस है। डिफेंस एडिटर सुमित इस वक्त हमारे साथ हैं, और सुमित, इनकी खूबियों के बारे में आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि अब भारत की ताकत किस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि सेना को 6 अपाचे मिलने वाले हैं, जबकि वायुसेना पिछले करीब 2 साल से अपाचे हेलीकॉप्टर को जिस तरीके से ऑपरेट कर रही है। जिस वक्त अपाचे हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिले, तब की सुमित आपकी एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं और उसके बाद आपसे करूंगी सवाल। मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे, ये है अपाचे हेलीकॉप्टर, जिसका इंडक्शन भारतीय वायुसेना के अंदर होने जा रहा है। और खास बात यह है कि इस वायुसेना की इस हेलीकॉप्टर जाने के बाद भारतीय वायुसेना की क्षमताओं में किस तरीके का इजाफा होगा, ये इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका का है और इसकी वेपनरी की अगर मैं बात करूं, 19 जो इसके रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो हैं, इसमें 4 गाइडेड मिसाइल्स या फिर रख सकते हैं, इस तरफ भी और उस तरफ, यानी करीबन 8। और इसके जो पेलोड है करीबन 3000 टन के करीब जो है इसका पेलोड है। खास बात यह कि ये अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका ने कई बड़े ऑपरेशंस में, यानी जो गल्फ के ऑपरेशन से या फिर अफगानिस्तान में टेररिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किए, और भारत में आ जाने के बाद भी इसका इस्तेमाल कुछ इन्हीं चीजों के लिए हुआ, यानी आप मान के चलिए बालाकोट या फिर ऐसे दूसरे बड़े स्ट्राइक ऑपरेशन करने जाए या फिर स्पेसिफिक इनपुट के बाद टेररिस्टों के कैंप को अटैक करना हो, तो ये अपाचे हेलीकॉप्टर भारत के लिए बहुत कारगर होगा। हालांकि इसकी कमीशनिंग 8 की होगी और इसके बाद करीबन 2020 तक करीबन 22 के 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत में आ जाएंगे, और इसके बाद इंडियन आर्मी के लिए भी 6 एडिशनल हेलीकॉप्टर्स आएंगे, यानी दोनों की जो कैपेबिलिटीज हैं, एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज है, उसमें इजाफा करने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा कारगर होगा। सुमित, आप इसकी खूबियां बता रहे थे, कितनी जरूरत है ये भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए? सुरभि, इनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी 2020 में अंदर। आपको याद होगा कि जब हमारी फोर्सेस लगातार ईस्टर्न लद्दाख में मूव कर रही थी, तब एक ऐसे हेलीकॉप्टर की, एक ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो लगातार हमारी ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट कर सके। और निश्चित तौर पर उस समय पठानकोट पे सबसे ज्यादा फोकस था, जहां इंडियन एयरफोर्स के ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैनात किए गए थे। वहां से लगातार ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज में सॉटी कर रहे थे। हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए बहुत मुनाफे है, बहुत सही है, और अमेरिका इनका इस्तेमाल कई बड़े अटैक्स के लिए, खासतौर पर आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान हो, गल्फ वॉर, इस्तेमाल कर चुका है। तो निश्चित तौर पर इनकी जरूरत इंडियन आर्मी को भी पड़ी है कि अगर हमारे ग्राउंड, यानी आपके रेगिस्तानी इलाकों में हमारी जब फोर्सेस ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए निकले, तो ऐसे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़े, ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर्स की जरूरत पड़े जो उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करा सके। तो निश्चित तौर पर अब इंडियन आर्मी को एक पहला जो उनके 3 आप कह सकते हैं कि जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो मिलने जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स इनका इस्तेमाल करती है, और सबसे खास बात यह कि इनकी मेंटेनेंस या फिर आप कह सकते हैं इनको कई डायमेंशन में, कई जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे वो हाईल्टीट्यूड एरियाज हो, जंगल वॉरफेयर हो, या फिर आप कह सकते हैं कि डेजर्ट एरिया हो। तो निश्चित तौर पर जब भारतीय सेना को इनका पहली खेप मिलेगी, तो उनकी कैपेबिलिटीज खासतौर पर डेजर्ट एरियाज में और ज्यादा बढ़ जाएगी। एक और बड़ी खबर है और उसको लेकर भी आपसे करूंगी सवाल। पहले जानिए किस तरीके से स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सूत्रों से खबर यह है कि LCH को अगले साल लद्दाख में तैनात किया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, और LCH एक अत्याधुनिक और बड़े उद्देश्य
अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिसे ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशन करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये हेलीकॉप्टर बेहद ठंडे और गर्म दोनों वातावरण में काम कर सकते हैं। इसे भारतीय सेना की ऑपरेशनल जरूरतों के मुताबिक ही बनाया गया है। कम वजन, अत्याधुनिक हथियार प्रणाली इसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर बनाती है। इसकी खूबियां भी अब आपके सामने, और सवाल सुमित इन खूबियों के बाद यही होगा कि इनकी तैनाती को देखते हुए क्या उद्देश्य सामने आ रहा है, क्योंकि स्वदेशी LCH को लेकर खबर ये कि दुश्मन पर ये अचूक निशाना लगा सकते हैं। रेंज 550 किलोमीटर, स्पीड 275 किलोमीटर प्रति घंटा, उड़ान 16,000 से 19,000 फीट की ऊंचाई पर ये कारगर। हथियार मिस्ट्रल एयर टू एयर मिसाइल, 70 mm रॉकेट्स, 80 GM, 20 mm किट गन और स्टेल्थ टेक्निक दुश्मन की रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों को देखने में ये पूरी तरीके से सक्षम है, निपटने के लिए ये पूरी तरीके से सक्षम मानी जाती है। सुमित, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स इस पर, इसकी तैनाती का उद्देश्य क्या? अगर आप देखें कि 1999 के बाद भारत ने बहुत अच्छे से महसूस किया कि अगली जो भी जंगें होंगी वो खासतौर पे माउंटेन इलाकों में होंगी, पर्वतीय इलाकों में होंगी, चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हो या आप कह सकते हैं कि अरुणाचल के इलाके हो, ईस्टर्न लद्दाख के इलाके हों, और ये हमने 2020 में रियलाइज भी किया। तो भारत ऐसे हेलीकॉप्टर चाह रहा था जो कम इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज में आसानी से उड़ान भर सके, अपने अपने अपनी रसद ले जा सकते, फिर आप कह सकते हैं कि अटैकिंग पोजीशन अटैक्स के लिए इस्तेमाल किए जा सके। तो भारत का स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। खास बात यह भी है कि LCH के कि इसको आप अरुणाचल प्रदेश में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इनको ईस्टर्न लद्दाख में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत अपनी माउंटेन वॉरफेयर के लिए कैपेबिलिटीज को एनहांस कर रहा है, और इसीलिए लद्दाख के अंदर आप कह सकते हैं कि इसकी तैनाती की जाएगी, न्योमा हो, इसके अलावा कई और ऐसे एयर स्ट्रिप्स हैं, एयरबेसिस हैं जहां पर इनकी तैनाती की बात की जा रही है।